Honor 200 Lite लॉन्च होने वाला है। Honor 200 Lite 5G बेसिकली लॉन्च होने वाला है। फोन की स्पेसिफिकेशन कितनी अच्छी है या कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहां से आप इसको खरीद सकते हो, कौन सी तारीख से खरीद सकते हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर Honor 200 Lite 5G आप लेना चाहते हो तो मैं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक टेबल 360, जहां पे हम टेक्नोलॉजी वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आते रहते हो, जो कि आपको एक फोन परचेज करने से पहले जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन अपनी नीड के हिसाब से खरीदना चाहिए, चाहे फिर वो फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं Honor 200 Lite 5G की स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पे MediaTek Dimensity का जो फोर्थ वर्जन है उस तरह का दिया गया है, बट आई डोंट थिंक सो ये मामला सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पे MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 nm की क्लॉक स्पीड पे काम करता है, 6 nm की क्लॉक स्पीड, विच इज गुड, बट 6080 MediaTek Dimensity इज वेरी लोअर वर्जन। Dimensity का सबसे जो लास्ट वर्जन आता है MediaTek का, वो वर्जन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना अच्छा काम किया है प्रोसेसर में। प्रोसेसर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मिला है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर है, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके जब इसकी प्राइस आएगी तब आपको ये बात समझ में आएगी कि फोन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड दिया गया है। रैम और स्टोरेज की अगर बात करें तो 8GB LPDDR4X रैम आपको यहाँ पे मिलेगी, विच इज गुड। 256GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल रहा है, इज अगेन गुड, बट जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज के हिसाब से ये सब चीजें मिलनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव या बहुत ज्यादा एडवांस फीचर दे दिया इस नहीं, बट यस दिस इज गुड। ये प्राइस रेंज में आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज मिलना चाहिए, विच इज गुड। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, विच इज गुड, जो कि 2000 nits के पिक ब्राइटनेस को सपोर्ट भी करेगा। दिस इज फैंटास्टिक, 2000 nits की जो पिक ब्राइटनेस है उसको ये फोन सपोर्ट करने वाला है, तो कहीं ना कहीं धूप में फोन यूज करने के लिए बहुत ही सही रहेगा। मगर यहाँ पे गलती भी तो कर दी है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है आपको। आजकल अंडर 10 के फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, यहाँ पे 15,000-17,000 के फोन में आपको सिर्फ 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, तो दिस इज नॉट गुड, यहाँ पे काम करने की जरूरत थी। तो कैमरे की बात करें तो कैमरे में आपको बहुत ही बढ़िया आउटपुट दिया गया, और आई थिंक यही एक रीजन होगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में आपको 108 megapixel का कैमरा मिल रहा है, तो डेप्थ, क्लैरिटी, पोर्ट्रेट फोटोस, AI पिक्चर्स, बहुत कुछ बढ़िया आपको इसमें मिलेगा कैमरे में। जो प्राइमरी रेयर कैमरा है वो 108 megapixel का है, विच इज रियली रियली अमेजिंग। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की, सेल्फी कैमरे की, तो वहां पे भी आपको 50 megapixel का फ्रंट कैमरा दिया गया है, सेल्फी कैमरा दिया गया है, साथ ही वहां पे एक फ्लैश लाइट भी है, तो नाइट मोड में आप अच्छी फोटो खींच पाओगे। इसके अलावा सेल्फी कैमरे से आप वाइड फोटोज भी खींच पाओगे, दिस इज अगेन गुड, क्योंकि कई सारे महंगे फोन में ये फीचर होता है, बट यहाँ पे 15,000 के फोन में आपको ये फीचर जो है वो मिला हुआ है, तो ये बात अच्छी है Honor 200 Lite 5G की। तो देखो, अगर ओवरऑल अगर आप देखो फोन में, तो कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो फ्लैगशिप फोन में होते हैं, जो आपको एक मिड सेगमेंट फोन में दे दिए गए, और कई सारे फीचर्स जो कि लो सेगमेंट फोन में आते हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। जैसे कि MediaTek Dimensity का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज्यादा लोअर है, उसको थोड़ा एडवांस देना चाहिए था। आजकल लावा के भी, जो लावा ब्लेज या लावा के जो एंट्री लेवल के फोन होते हैं, वहां पे भी MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिल जाता है, और यहाँ पे MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक गलती है। लास्ट में अगर बैटरी की बात करें तो यस, यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इस प्राइस रेंज में ये ऑप्शन बढ़िया है, डिसेंट है। सो ओवरऑल ये फोन की जो प्राइस है वो 17,999 के अराउंड होगी, और ये आपको डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने के बाद 15,000 समथिंग में पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर थोड़ा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, Realme Narzo 70 Turbo 5G, जिसमें कई सारे अमेजिंग फीचर है, गेमिंग फोन है, MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर है, जो इस प्रोसेसर से काफी ज्यादा आगे भी है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको उसमें मिल रहा है, तो एक बार Realme Narzo 70 Turbo 5G की तरफ आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बहुत ही ज्यादा स्लिम, थोड़ा मॉडर्न लुक वाला फोन लेना चाहते हो, थोड़ा Honor का ही फोन अगर आपको लेना है, आप Honor ब्रांड कॉन्शियस हो, तो ये फोन वैसे तो कोई कहीं पे आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन जब आप गेमिंग करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, तब इसका प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दे सकता है, तो इस चीज का ख्याल रखना अगर आप Honor का फोन खरीद रहे हो। तो आई थिंक इसकी प्राइस जो है मेरे हिसाब से 13K 12K तक होती, यानी कि अंडर 15K से शुरू होती तो ज्यादा बेटर होता, बट
ठीक है, अभी फोन ऑलमोस्ट लॉन्च हो गया है, 27 सितंबर से आप एक्सप्लोर ऑनर.com से या फिर Amazon से इसको खरीद सकते हो। तो आपकी ऑनर 200 लाइट 5G के बारे में क्या राय है कमेंट करके बता दीजिए ना। चलिए मिलते हैं टेक टेबल 360 के आने वाले वीडियो में, जहां पे हम और भी गैजेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग। लेकिन जाने से पहले मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस यहां पे रेगुलरली 360 डेज मिलते रहते हैं।